Hello everyone, this is Vinay Bihari. In this video, I will discuss dual nature of radiation and matter. So, ये जो है वो NCERT का chapter 11 है और यहाँ पे जो है मतलब जितने भी चीज़ symbol वगैरह जितना है सारा कुछ को हम मतलब जितना भी equation आएगा कुछ भी तो उसको हम यहाँ पे discuss कर लेंगे और ये जो है वो 10 साल का question है जो 10 साल previous 10 years का जो question होता है वो 10 साल का question जो बिहार बोर्ड में है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड है क्योंकि आपको जो है कहीं भी मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको ईयर वाइज मिलता है और यहाँ पे है क्या चैप्टर वाइज आपको हम ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं सो आप यहाँ पे आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं अगर मान के चलिए आप एक ही चैप्टर ये पढ़ रहे हैं तो इस टाइप का वीडियो देख लीजिए और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो अपलोड है मैग्नेटिज्म का वीडियो अपलोड है तो वहाँ से आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं सो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v द डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी यहाँ पे डी ब्रोगली वेव लेंथ बताना था डी ब्रोगली वेव लेंथ क्या होता है वो होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है वेव लेंथ के लिए हम यूज करते हैं लेमडा का और h जो है वो क्या होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है सो और P जो हो गया वो हो गया आपको मोमेंटम के लिए यूज करते हैं P को यहाँ पे यहाँ कहीं कहीं मिलेगा आपको H बाय एम वी भी मिलेगा सो एम वी पी इक्वल टू पी को ही कन्वर्ट कर देता है मास और उसके वेलोसिटी से मोमेंटम में सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो डी ब्रोगली का जो पार्टिकल वेवलेंथ है उसको निकालना है तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिखे थे एच बाई पी इसको कीजिएगा तो आएगा एच बाय अंडर रूट टू एम क्यू भी क्योंकि जब आप मोमेंटम को चेंज कीजिएगा उसके मास में अगर पी ए स्क्वायर बाय टू एम कीजिएगा तो इसका क्यू भी लिख सकते हैं इसलिए p इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट टू एम क्यू भी लिख सकते हैं सो आई होप यू अंडरस्टैंड सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आंसर सी होगा सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या बताना है द नंबर ऑफ फोटोन्स फ्रीक्वेंसी 10^14 हर्ट्ज द रेडिएशन बताना है जो रेडिएशन दिया हुआ है 6.62 जूल तो इसका जो है नंबर ऑफ फोटोन्स कितना होगा फोटोन्स कितना उसमें फ्रीक्वेंस करेगा तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे एनर्जी का जो होता है वो दिया हुआ है 6.2 जूल और जो इसका जो फ्रीक्वेंसी वो 10^14 हर्ट्ज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए एनर्जी बाय क्या होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए हम क्या करते हैं एच बाय वी करेंगे तो टोटल एनर्जी दिया है 6.62 × 10^-34 × 10^14 क्योंकि एक प्रोटोन के लिए हमको निकालना है तो अगर आप इसको यहाँ से काटिएगा तो 6.62 कट गया और 10^34 में से 10 अगर 14 माइनस कीजिएगा -34 में से अगर यहाँ पे अगर 14 माइनस कीजिएगा तो वो क्या आएगा +20 आएगा तो 10^20 क्या होगा 20 इसका राइट आंसर होगा सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सी होगा सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन जो उसका जो एनर्जी जो इमिशन होता है तो वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा क्योंकि आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच भी यहाँ पे एच हो गया प्लैंक कॉन्स्टेंस भी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन सो आप इसको लिख सकते हैं फोटोन जो इमिशन होगा वो डिपेंड करता है वो उसके लैम्डा पे लैम्डा जो है वो क्या है यहाँ का वेवलेंथ ऑफ लाइट है सो इसका आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर सो इसका आंसर होगा बी सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस इसमें से जो है कौन है वो क्या है चार्जलेस है सो इसमें क्या होगा फोटोन पार्टिकल क्यों होगा क्योंकि फोटोन पार्टिकल में जो ईएम वेव होता है उसमें जो कोई चार्ज नहीं होता उस पर जो कोई भी चार्ज यूज नहीं कर हो पाता वो न्यूट्रल होता है
सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोटोन पार्टिकल। अगर यहाँ पे जो अगर कोई भी ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता है, गामा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो भी चार्जलेस होता है। सो नेक्स्ट, द इनर्जी ऑफ ए फोटोन वेवलेंथ इज लैम्डा। तो लैम्डा का क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे ऑप्शन बी में ये एक फॉर्मूला है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, जो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है इस, वो बोल रहा है कि फोटोन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोटोन में वो क्या होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट जो देखेंगे वो दिया हुआ है, सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जो रेस्ट होगा, मास जो होगा अगर कोई भी उसका जो मतलब, कहीं आप कोई भी मास को अगर कोई भी चीज़ रखे हैं, पेन रखे हैं हाथ में या कोई भी फोन रखे हैं, उसमें उसका जो क्या होगा, फोटोन क्या हो रहा है वहाँ पे, जीरो है। सो रेस्ट मास का फोटोन जीरो होता है, वो सही है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन देखते हैं अब हम। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है, ए में बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकेंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लानेशन ऑफ फर्स्ट। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका जो सेकेंड है वो फर्स्ट का एक्सप्लानेशन नहीं दे रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सो अब बी देखते हैं, बी में दिया है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट सेकेंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लानेशन ऑफ फर्स्ट। सो सेकेंड जो है वो फर्स्ट का एक्सप्लानेशन नहीं दे रहा है, सो ये सही है। और सी भी देखते हैं, सी में दिया है फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, डी में भी वही है, सो ये दोनों तो गलत है ही ऑलरेडी। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड, जो वो डिपेंड करेगा, वो करेगा उसके फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसका वो क्या होता है, के इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। के जो होता है वो मैक्सिमम जो निकालेंगे वो प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या होता है उसके जो होता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला के मैक्स के लिए भी निकालते हैं वो निकालते हैं एच वी माइनस फाई नॉट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये मल्टीपल चॉइस में आप देख लीजिए, कभी कभी दोनों पूछ देता है, तो इसमें क्या होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, 8 भी वही है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। सो 8 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिखा है, इफ़ द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीजेज द मिनिमम और कट वेव लेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस रिमेंस चेंज। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बोल रहा है एक्सीलेटेड पोटेंशियल एक्स रे ट्यूब का वो इंक्रीज हो रहा है एंड द मिनिमम कट वेव लेंथ, जो कट ऑफ वेव लेंथ है उसका, वो एक्स रे का प्रोड्यूस रिमेंस अनचेंज है। सो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये तो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड दिया है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन जो हो रहा है उसमें क्या हुआ है, अनचेंज हो रहा है। सो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही दिया हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इलेक्ट्रोड में जो इंक्रीज करेंगे तो उसका जो इमिटेड रेडिएशन होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ए में दिया है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये तो पहले गलत है। और देखते हैं सेकंड में दिया है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको अगर देखिए यहाँ पे अगर मिल गया थोड़ा थोड़ा भी तो आप उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इससे आगे नहीं पढ़िए, आप तुरंत आगे बढ़ जाइए। सो आगे देखते हैं सी में लिखा हुआ है, सी में स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट द सेकेंड इज़ ऑल्सो फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 गलत था, तो इसका जो आंसर ऑलरेडी क्या हुआ, डी होगा। अगर आप तीन ऑप्शन पढ़ लिए हैं, चौथा में अगर नहीं भी पता चल रहा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप सारी चीज़ों को फिर रिवाइज भी करना है।
सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसका लिखा है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन रिमेंस अनचेंज, तो यही चीज़ बताएं तो वो क्या होता है जो उसका जो इमिटेड रेडिएशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉपिक यहाँ पे जो दिया हुआ है डिफाइन एस्ट्रॉपिक पोटेंशियल, सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, 2018 में भी था एक बार, 2014 में भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एस्ट्रॉपिक पोटेंशियल होता क्या है, यही होता है कि आप एक जो पार्टिकुलर कोई भी एक वैल्यू है उस वैल्यू पे जाने के बाद, मान के चलिए मतलब उस कोई भी जो वहाँ का जो पोटेंशियल है मान के चलिए 3 पे या 4 पे ऐसे करके कोई अगर डिजिटल आप ले रहे हैं तो उस पे जाके जो उसका जो फोटो इलेक्ट्रिक जो उसमें जो इमिशन हो रहा है उसके लिए उसका जो वैल्यू हो रहा है वहाँ पे 0 हो जाता है। मान के चलिए कहीं से आप एक वेवलेंथ जा रहा है तो वहाँ पे जो उसका जो कहीं एक पॉइंट आता है वहाँ पे जो वो 0 हो जाता है उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रॉपिक पोटेंशियल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है वो बता, डी ब्रोगली का वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होता है वो क्या होता है डबल मैटर के लिए, जो कि डबल मैटर में अगर हम जो पार्टिकल होता है वो एक होता है पार्टिकल फॉर्म में, एक होता है जो उसका वेव फॉर्म में, ये दोनों के लिए दिए थे डी ब्रोगली जो दिए थे अपना वेव थ्योरी उनमें बताए थे। उसका जो उसका उसके लिए जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन दिए वो क्या दिए थे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो इसका जो हम बता दिए हैं लैम्डा क्या होता है, एच क्या होता है, पी क्या होता है, ये चीज़ हम पहले बता दिए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सो आई होप यू सी दिस। सो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है व्हाट डज थर्मोनिक इमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए मेटल सरफेस, सो यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोनिक इमिशन टेक्स प्लेस ए मेटल सरफेस बिकॉज द मेटल हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑब्वियसली मेटल में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज हीटेड इट फ्री इलेक्ट्रॉन गेट सफिशियंट थर्मल इमिटेड बाय द ओवरकम सरफेस ऑफ बैरियर। सो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे मान के चलिए कोई मेटल है, ये मेटल हम आयरन का एक रॉड ले लिए, इसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते रहता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पास होते रहता है यहाँ से। जब आप यहाँ पे कोई चीज़ लेकर आप यहाँ से हीट करते हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है यहाँ से इमिटेड हो रहा है, तो यहाँ से जो इमिटेड हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन में जो है वो हीट होने से क्या हो रहा है उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम होने के कारण वहाँ पे जो वो उसका जो बैरियर है सरफेस बैरियर वो क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। उसी को बताना है कि जब हम थर्मियोसन इमिशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है उसका जो हीटेड करने के बाद वो क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो क्या होता है इनक्रीज कर जाता है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 angstrom इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन उसका दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 angstrom विल बी इलेक्ट्रॉन विल इमिटेड इफ यस द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैक्सिमम जो हो रहा है उसमें जो इमिशन हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6000 angstrom और जो उसका जो दिया हुआ है वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमको निकालना है जो आप इसको चेंज कीजिएगा अंगस्ट्रम को अगर मीटर में चेंज करना है तो वो क्या कर सकते हैं उसको 10^-10 से कीजिएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा उससे आप कर सकते हैं। तो उसका जो इनर्जी ऑफ फोटोन है वो निकालना है, इनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इक्वल टू बोलते हैं h भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा hc/λ कर सकते हैं जो क्या क्योंकि v को हम लिख सकते हैं c/λ जो भी है वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसका उसको उसके लिए हम लिख सकते हैं c/λ। सो आप इसको आप फार्मूला जो इस फार्मूला के ऊपर आप यहाँ पे बैठाइएगा इनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए। सो देखिए यहाँ पे निकाल के बताते हैं उसको जो आप निकालिएगा वो क्या कीजिएगा 6.62 × 10^-34 जो होता है उसको कीजिएगा क्या से 3 से क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है इमिटेड द इलेक्ट्रॉन्स इफ़ द मैक्सिमम बताना है उसके लिए कितना हो रहा है। सो आप उसको अगर
तोड़ के करते हैं तो वो लिख सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 6000 जो उसका दिया है वो लिख सकते हैं 6000 × 10⁻¹ मीटर। जब इसको आप काटिएगा तो वो आएगा आपको 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका वर्क इनर्जी ऑफ फोटोन आएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमको करना। यहाँ पे बोला है मैक्सिमम इमिटेड इलेक्ट्रॉन निकालना था। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर कीजिएगा तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, उसके लिए लिख सकते हैं के ई मैक्सिमम निकालने के लिए आप लिख सकते हैं ई माइनस फाइव, जिसको हम बोलते हैं 2.07 माइनस 2.0, क्योंकि 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा जो है वो क्या हो रहा है फोटोन का इनर्जी आया है, उसमें से हम जो है वो क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो उससे अगर माइनस कीजिएगा तो वो आएगा 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन था उससे हम निकालने हैं, तो वो के ई मैक्स का वैल्यू आ गया है। के ई मैक्स का वैल्यू अब लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो लैम्डा का वैल्यू है उससे निकालेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाई एस सी बाई लैम्डा होता है। सो इसको आप कीजिएगा लैम्डा के लिए तो वो क्या लिखेंगे 12.27, जो कि हम लिख सकते हैं जो जो इसका जो वैल्यू आया था उससे हम लिख सकते हैं 12.7 बाई अंडर रूट के ई मैक्स। सो 12.27 बाय अंडर रूट 0.07 कीजिएगा तो वो आएगा 4637 एंगस्ट्रम। सो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। सो आई होप यहाँ पे अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपॉज करके देख सकते हैं, अगर नहीं हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है आप स्लाइड करके देख सकते हैं, यानी नहीं तो PDF जो है वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा तो वहाँ से PDF आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बोल रहा है व्हाट आर द मोमेंटम, बी में दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द इलेक्ट्रिक एंड काइनेटिक ऑफ 120 वोल्ट। यहाँ पे जो है काइनेटिक इनर्जी वो दिया हुआ है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको आप चेंज कीजिएगा 120 इंटू जो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1.6 × 10⁻¹, उसको अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। सो उसको निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं मोमेंटम निकालिएगा उसका। मोमेंटम निकालने के लिए जो है वो पी का वैल्यू जो होता है पी से आप जो उसका वैल्यू है तो पी इक्वल टू एम पी, उसी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ से जो है जो होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी से आप उस पर जो उसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो लगाइएगा, और जो एच का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। एच का वैल्यू क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। उसको आप कीजिएगा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लाए हैं उसे डिवाइड कीजिएगा तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। वो आया है क्या वो कीजिएगा तो उसके बाद जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन दो बार रिपीटेड है क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो तीन जो है उसको डिफाइन करना है। यहाँ पे दिया है डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन एंड पोटेंशियल एस्टोपिक पोटेंशियल विद द रेफरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपको अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो होता है एक फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जाने के बाद जो उसका जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाता है। मान के चलिए अगर कोई भी क्या हो रहा है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर कोई भी चीज़ वहाँ से इमिटेड हो रहा है तो ये एक उस जो वेवलेंथ है उसके लिए क्या हो जाएगा, वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के काम करेगा। सो इसके बाद जो क्या होता है उसका जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक वो स्टॉप हो जाता है, इमिशन होना वहाँ से स्टॉप हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है जो एनर्जी का वो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट जो उसके लिए यूज करते हैं
उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन को हम निकालने के लिए, जो रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, यहाँ मान के चलिए मेटल है तो मेटल को रिमूव करने के जितना अमाउंट हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो हम बता दिए थे पहले, जो क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन था उसमें बता दिए थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सो द डी-ब्रोगली वेवलेंथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर्जी ई गिवन बाय द रेडिएशन बताना है। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है एच बाय अंडर रूट 2 ME। तो इसको आपको एक डेरिवेशन है ए में, और बी में दिया हुआ, ये क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, जो बी में दिया हुआ व्हाई इज द बेल्ट ए वेन डायग्राफ जनरेटर मेड ऑफ इन इंसुलेटिंग मेटल। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो डेरिवेशन किया है वो यहाँ पे एनर्जी निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 MV, उससे निकाला है 1/2 MV लिखा है, और यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है उसको आप कीजिएगा तो वो आ जाएगा अंडर रूट 2 ME। और उसको जब आप चेंज कीजिएगा डी-ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला से, वो क्या होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो एच को आप लिख सकते हैं एच बाई एम भी। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा एच बाई 2 ME के फॉर्म में, वो क्या होता है इक्वेशन 1 से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि जो उसका जो है जो वेलोसिटी है उसके लिए आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ME। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में जो है उसका वो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ये बी में क्या था। बी क्वेश्चन जो है वो दिया है व्हाई इज़ द बेल्ट ऑफ ए वेन डायग्राफ जनरेटर मेड इन इंसुलेटिंग मटेरियल। सो बेल्ट होता है वो वेन डायग्राफ जनरेटर का, वो क्या होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो वेन डायग्राफ जनरेटर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी डेरिवेशन वगैरह देख लीजिएगा फिगर वगैरह। बिकॉज द चार्ज ऑफ टेक्स बेल्ट डू नॉट स्प्रेड आउट ए साइड ऑफ सेम प्लेस। सो जो द चार्ज द बेल्ट ऑफ पॉइंटर कंडक्टर इफ द कंडक्टर मटेरियल देन द चार्ज स्प्रेड आउट द होल बेल्ट एंड द सिस्टम डू नॉट रन सिस्टमेटिकली। अगर इंसुलेटिंग जो है मटेरियल वो यूज़ नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो कंडक्टर जो होता है जो यूज करते हैं उसके अंदर जो उसका जो इलेक्ट्रॉन पास होते रहता है उसमें जो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए, सो वो क्या होगा आपका सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करेगा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में एक ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि वो क्या हो रहा है, उसका इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सेम द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड में दिया है द सेम फ्रीक्वेंसी बट द डिफरेंट इंटेंसिटी बताना है। सो फर्स्ट का जो है क्या हो रहा है सेम इंटेंसिटी और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है उसका जो यहाँ से जो इंटेंसिटी जो है उसका, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, सो इस पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो रहा है सब मिल रहा है एक जगह पे, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए V1, V2, V3 करके चेंज हो रहा है, जिसमें V1 जो है सबसे बड़ा है, V2 उससे छोटा करके ऐसे हो रहा है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो क्या है सेम है। सो ऐसे करके आपको एक ग्राफ पूछ सकता है, सो इसको देख लीजिए अच्छे से। सो और सेकेंड जो है वो है उस पर, उसमें क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रहा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रहा है। इसमें उल्टा था, वहाँ पे इंटेंसिटी एक जगह रह जाता था और यहाँ पे इंटेंसिटी ही चेंज हो रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वी नॉट का वैल्यू है वो क्या हो रहा है एडिमेंट से, जिसमें क्या I1 बड़ा है, I2, I3 यहाँ पे जो है I1 क्या है सबसे बड़ा है, और I3 जो है वह यहाँ पे जो है क्या है वो सबसे छोटा है। सो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट।